तो गाइस आपको ये सिंपल मटेरियल लगेंगे स्पाइडरमैन वेब शूटर बनाने के लिए। सो ए वर्सेस मी गाइस का प्रोडक्शन चैनल, तो कैसे हम वेब शूटर बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको 5 सेंटीमीटर का पेपर चाहिए। पेपर को आपको 5 सेंटीमीटर से रोल कर लेना है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। थोड़ा मेरा को लग रहा था कि कैमरा उधर है, तो मैं आज पोजिशन चेंज कर लिया ना, तो इसलिए तो ये देखो ऐसे आपको रोल करना है। उसके बाद ये टेप ली मैंने और इस टेप से इसको ऐसे चिपका दिया, ठीक है गाइस। चिपकाने के बाद इसका ऊपर का जो फेविक्विक से मैंने थोड़ा लगा दिया ताकि स्ट्रॉन्ग बन जाए, क्योंकि फिसल जाता है ना कागज, स्ट्रॉन्ग बन जाए ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे दोनों साइड में फेविक्विक लगा देना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर भी आपको साइड में भी हल्का ऐसे ऐसे, ज़्यादा नहीं, मतलब उसको पूरा फेविक्विक नहीं लगाना, हल्का कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर मैं स्केल पे लगा के इसको सूखने के छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद बताता हूँ आपको करना क्या है। तो गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिक लेनी है। स्टिक लेने के बाद एक भगोना लेना है। भगोना लेने के बाद उसमें हक देना है। हल तो दोबारा आ गया, चले जाए ऐसे भी। मैं कुछ बता रहा हूँ गाइस, उसमें आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी लेने के बाद आपको उसमें स्टिक डालनी है। थोड़ा ऊपर भाप आ रही होगी, तो मैं साफ कर दिया। आपको दो स्टिक बस बचा के रखनी है और सारी स्टिक मोड़ देनी है, क्योंकि आप एक स्टिक भी डाल सकते हो अगर टूट गई तो, इसलिए मैंने ले लिया। उसके बाद इसको साइड में रख देना, उसके बाद मैं बताता हूँ करना क्या है। तो गाइस आपको उसके बाद क्या करना है, 9 सेंटीमीटर का एक पेपर लेना है। पेपर को आपको ऐसे फोल्ड करके एक पेन की मदद से फोल्ड करके थोड़ा मोटा कर देना है, ताकि जो पिछला वाला पार्ट है वो इसमें घुस सके। देखो ऐसे आपको ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो गाइस आपको उसके बाद क्या करना है, 9 सेंटीमीटर का पेपर जो आपने लिया था उसको पहले फोल्ड कर लो, अच्छी तरह से फोल्ड कर लो। और मैं थोड़ा कैमरे में नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि मैंने कैमरा थोड़ा कुछ ज़्यादा दूर रख दिया अपने आपसे। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा बाद में देख लेंगे, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो गाइस उसके बाद आपको देखो ऐसे ही आसानी से डल जाए और बाहर निकल जाए, आपको ऐसा बनाना है। इसके बाद आपको इसके जो बाउंड्री है उसके पास आपको फेविक्विक लगा देना है, ठीक है गाइस। जैसे मैं आपको फेविक्विक लगाते हुए दिखा रहा हूँ, और पीछे वाली बाउंड्री में भी ऐसा करना है, और यहाँ साइड में भी ऐसा करना है। ये गाइस फेविक्विक का धुआं बहुत आँखों में चढ़ रहा था, क्या बताऊँ। उसके बाद इसमें पूरी पहले टेपिंग कर देता हूँ, क्योंकि उसका एक पेपर निकल रहा है। टेपिंग करने के मैं पेपर टेप इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं पेपर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो पेपर को बहुत अच्छे से चिपकाएगा और उसमें फेविक्विक ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखो मैं ऐसे जैसे टेप लगा रहा हूँ, आप भी वैसा ही लगाना, और टेप के ऊपर आप फेविक्विक भी गिराना। आपको मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार बनने के बाद क्या औसम लगेगा, आप भी बोलोगे वाह। अभी आप सोच रहे होगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, और वेट एंड वॉच, देखो क्या बनेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद करना क्या है। इसको सूखने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो देखो आपने ऐसे इसको एक रेक्टेंगल उसमें से निकाल लेना है, ज़्यादा भी बड़ा मत निकाल देना। देखो जैसे मैंने निकाल रहा हूँ, आप उसी तरह निकालना। तो देखो मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको फेविक्विक लेनी है और इसके कोने कोने पे गिराना, ताकि इसका जो कागज़ है वो अच्छी तरह से चिपक जाए, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से चिपका के आपको मिलता हूँ क्या, चिपका के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे चिपका लेना, जिस तरह से मैं चिपका, देखो मेरी उंगली चिपक गई थी अभी। ऐसे ही पेन रख के चिपकाना, तो गोल भी रहेगा और बिगड़ेगा भी नहीं। और ऐसे ही आप फिर इसके जो पीछे आगे पीछे है ना, इस एरिया में पूरे में फेविक्विक गिरा देना, क्योंकि ये सब बहुत अब कमज़ोर हो गया है, और इसको आप सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो बस इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो हमने पिछली बार का जो गोल सा बनाया था उसमें कील से आपको छेद कर लेना है दोनों आर पर, वो भी सेम, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। तो गाइस उसके बाद आपको मैच स्टिक लेनी है। मैच स्टिक्स में से एक तिल्ली निकालनी, तिल स्टिक निकालनी, उसके बाद आपको इस पर फेविक्विक चिपका देना, थोड़ी मजबूत हो जाए, ठीक है। मजबूत होने के बाद देखो ये अंदर आराम से जा रहा है और निकल भी रहा है। थोड़ा पेपर वहाँ अटक गया था, तो अब वो कोई बात नहीं, उसका छोड़ो, पेपर अटका ही रहेगा। ये मैं कुछ कलाकारी कर रहा था, कर रहा हूँ, मतलब कि इसमें से ये हटा वटा के थोड़ा सही से बना दो, पर नहीं वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद देखो
इतनी ऐसे टालनी है, ये लूज है, अच्छी बात है। इसके बाद आपको यहाँ इसको नीचे करना है, नीचे ऊपर ऐसे करते रहो ताकि ना जो आपका पेपर अटका हो वो निकल जाए। देखो पेपर निकालने की नाकाब कोशिश कर रहा हूँ और अब निकल गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यूँ ऐसे रखना है, बिल्कुल सॉरी ऐसे नहीं, कुछ छेद के यहाँ ऐसे रखना है। बस एक तिल्ली अटक गई तो मान लो हो गया काम, एक ऐसे अटका ली, अटकाने के बाद अब कहीं नहीं जा रही, ये हमारा शूटर टाइप कुछ बन गया है। इसके बाद आपको यहाँ शूटर में फेविक क्विक गिरानी है ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए, उसको हिलाते रहो ताकि ये बाहर ना निकल जाए तलती से भी, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको मजबूती देते रहो देते रहो। उसके बाद ऐसे ऐसे इसको हिलाते रहो ताकि ये चिपके ना बहुत अच्छे से। तो भाई उसके बाद आपको क्या करना, देखो ये सब पेपर है, मैंने इस पेपर को सब रोल कर लिया, रोल करने के बाद इसके टॉप पे आपको ऐसे लगा देना, देखो ऐसे ही ऐसे इसको लगा देना है। उसके बाद मैं अभी आपको लगा कर दिखाता हूँ। ऐसे पकड़ के गाइस आपको इसको खोल के ऐसे यहाँ फेविक्विक गिरा के इसको चिपका लेना है। देखो जैसे गाइस मैं ऐसे कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना, एक भी स्टेप अगर आपने मिस करा तो आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे मैं चिपका रहा हूँ केवल वैसे ही आप चिपकाते रहना चिपकाते रहना। देखो ऐसे ऐसे फेविक क्विक गिराओ, फूंक मारो ताकि थोड़ा ठंडा हो, फेविक क्विक गिराओ फूंक मारो। अब ये वाली पतली डंडी पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे इस पर हाथ भी चिपक सकता था और जिसका डर हुआ वही हुआ था। देखो चिपक गया था पर निकल गया, ज़्यादा टाइट से नहीं चिपका था। इसको भी आपको ऐसे यूं कर लेना है, चिपका लेना है ऐसे माचिस की तिल्ली से, माचिस के डिब्बे से आपको ऐसे ऐसे चारों साइड बिल्कुल सपाट प्लेन कर लेना है। वो थोड़ा मैं कैमरे में दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मैं इसको सपाट करने में इतना मगन हो गया था। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर टेप भी लगाना है। वो टेप मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, पहले इसको हम कैंची से कट भी करेंगे। तो कैंची से पहले इसको ऐसे कट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ टेप लगा लेता हूँ। कैंची की ज़्यादा दरकार हो जाएगी ना, इसलिए मैं ऐसे ही कट कर लिया। इसमें मैं तो कर दूँगा इसको ऐसे कट कर लेना है। देखो जैसे मैं कट करूँ, मैं थोड़ा कट करने में भी मगन हो गया था क्योंकि देख देख के कट कर रहा था। ऐसे कट करने के बाद आपको रबड़ बैंड लेनी है और थोड़ा कट कर देता हूँ क्योंकि ये रबड़ बैंड सही से अटकनी चाहिए। और इसको फेविक्विक से नहला देता हूँ और थोड़ा सही से कर दे रहा हूँ, टाइट हो जाएगी, बस आपको इतना करना है, ठीक है। उसके बाद ये रबड़ बैंड यहाँ घुसाओ, कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, आपको इसको ऐसा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड मतलब गांठ बांध देना, कुछ ज़्यादा ये रबड़ बैंड बड़ी हो गई है, इसको ऐसे यहाँ फिट कर देना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और दूसरा साइड में भी गांठ बांध के रबड़ बैंड को फिक्स कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसे करके मैंने यूँ उस पर फिक्स कर दिया, एक खिंचाव तनाव हो गया। तो गाइस देखो मैंने इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद देखो कैसे ऊपर की तरफ उठा दो, ऐसे ही थोड़ा बाउंसी बाउंसी हो गया है। और वहाँ मैंने ग्लू लगा दिया जहाँ जहाँ मैंने इसको चिपका उसके कट कर लिया। तो अगला काम था जो हमने जो स्टिक रखी थी उसको मैं देखो इस पानी में डुबा के आपको हाथों से ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे जड़ बनाना जैसे तो इसी थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे आपको जड़ बनाना है, ये वाला कंप्लीट हो गया, इसको पानी में डुबा देना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी ऐसे इसको यूँ रखना है और यूँ धीरे धीरे फोल्ड करना है। अगर एक ही में हो गया था ऐसे यूँ फोल्ड करके आपको जड़ बनाना, जड़ बना के मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो बस आपको ऐसा शेप दिख रहा है, उसी तरह ऐसा आप शेप बना लेना और इसको यहाँ चिपका लेना, ठीक है। अभी मैं आपको चिपका के भी दिखाता हूँ, जैसे इसने शेप बनाया है वैसा ही आप शेप बना लेना। तो गाइस मैंने इसको ऐसे यहाँ चिपका लिया है, चिपकाने के बाद गाइस मैं आपको चिपका सॉरी मैं तो चिपका लिया बात क्या। देखो
ये कितनी अच्छे से बाउंस कर रहा है, उछल रहा है। तो मैंने क्या करा है, ये एक स्टिक लिया, स्टिक में मैंने थोड़ा सा टेप वेप लगा के इसको फोल्डेबल बना लिया, देखो ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने ग्लू गन ली, ग्लू गन से मैंने इसको यहाँ ऐसे चिपका दिया, ठीक है। देखो ऐसे मैंने इसको चिपका दिया, ये का इसमें से थोड़ा हिल गया था, फिर मैं इसको बाद में ठीक कर दूँगा। ऐसे मैंने इसको यूँ करके थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस चिपका दिया बिल्कुल टाइटली, ठीक है। वो मेरा थोड़ा सा गलत चिपक गया था, तो इसलिए मैंने इसको साइडली चिपका दिया। चिपकाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, चिपका लेने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो भाई उसके बाद क्या करना है, मैंने इसके ऊपर ये भी चिपका दिया। उसके बाद आपको एक सपोर्टर बनाना है, इसको थोड़ा मैं यूँ घिस के, थोड़ा मतलब सैंड पेपर मत घिसना, सैंड पेपर है तो पर मैं घिसा नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा चिपटा करना है। चिपटा करने के बाद इसको यहाँ ऐसे करके चिपका देना, ठीक है। मैंने वो वाला ऊपर का जो मैंने काटा था वो भी चिपका रखा है। इसके बाद मैं बताता हूँ करना क्या है। मैंने इसका एक केस तैयार कर लिया है, बोलो कि क्या कर लिया सके। मैंने कहा ना वेट वेट, आप ये वीडियो छोड़ के मत जाना, ये इतनी थासो वीडियो ना आप देखो, आप यू बनाना सीख जाओगे, पूरा यूट्यूब पे आपको रबड़ बैंड वाला नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने आपको बना के दिखाया। तो गाइस आपको इसको ऐसे यू करना है, यू चिपकाना है, इसके बाद आपको इस कोने में चिपकाना है, इसके बाद आपको इस कोने में चिपकाना है। देखो जैसे मैं चिपका रहा हूँ, उस साइड वाला थोड़ा मेरे से गलत चिपक गया था, तो मैं इसको बाद में ठीक कर लिया था। अब ये मत सोच रहा, अरे भैया ये को कर रहा है संदा उखाड़ रहा है, नहीं भैया वो मेरे से गलत चिपक गया था, वो तो ज़्यादा इसका टेंट बन गया था, इसका टेंट नहीं बनाना है हमें प्यारी बात से, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ इसको ऐसे चिपका देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊँ करना क्या है। तो अगर जो खाली जगह होगी वहाँ पेपर टेप चिपका सकते हैं या न्यूज़पेपर, ठीक है, जैसे मैं आपको चिपका रहा हूँ। तो आज मैं आपको चिपकाने के बाद मैं तो टाइम लैप्स इंजॉय करूँ। तो आज मैं इसमें पेंट भी करूँगा, पेंट का भी और इसका भी टाइम लैप्स इंजॉय करूँ। गाइस मैंने ना उसमें रस्सी नहीं लगाई, ठीक है, और इनमें से पेंट भी गिरा, मेरे हाथ भी गंदे हो गए। तो मैंने रस्सी नहीं लगाई, मैंने उसका एक गोली बना के उसको टेस्टिंग करी, टेस्टिंग।